व रहमतुल्लाहि व हूँ प्यारे आजीज़ उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरवाफ़ियत से होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इन्ना व हा को ज़मायर के साथ इस्तेमाल कर लिया मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आज की क्लास में हम वक्फ़ के बारे में जानेंगे देखिए बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब हम कुरान मजीद के अंदर किसी लफ्ज के ऊपर वक्फ करते हैं तो उस लफ्ज का जो आखिरी हरफ होता है जिसे हम मौकूफ़ आली कहते हैं उसको हम साकिन बनाते हैं और वक्फ करते हैं लेकिन कुरान मजीद के अंदर कुछ अलफाज ऐसे हैं जिनके आखिर में कभी वाव मुशद्दद होता है कभी या मुतहरक होती है या कभी अलिफ मकसूरा होता है तो उस सूरत में हम वक्फ़ कैसे करें आपने कुरान के अंदर देखा होगा जब आप कहीं पर वक्फ़ करते हैं तो कलमे के आखिर में आपको कहीं पर वाव मुशद मिल जाता है कहीं पर आपको या मुतहरक या ज़बर के साथ या जेर के साथ या पेश के साथ मिल जाती है या कहीं पर आपको अलिफ मकसूरा मिल जाता है तो उस सूरत में आप वक्फ़ कैसे करेंगे ये अक्सर लोगों ने यह सवाल पूछा है तो इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा दूसरा जो सवाल किया गया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्यों है भाई वो इसलिए क्योंकि इसके हवाले से आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी इसलिए गुजारिश करता हूं इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दूसरा जो सवाल किया गया है वो ये है कि जब हम आयत को मुकम्मल करते हैं तो हम देखते हैं एक गोल आयत का निशान होता है और उस गोल आयत के निशान को देखकर हम स्टॉप करते हैं हम वक्फ करते हैं लेकिन कुरान मजीद के अंदर गोल आयत के निशान के ऊपर आपको कभी पा का सिंबल भी नज़र आएगा गोल आयत के निशान के ऊपर लामलिफ का सिंबल भी नज़र आएगा गोल आयत के निशान के ऊपर जीम का सिंबल भी नज़र आएगा और भी सिंबल नजर आएंगे जैसे सौद लाम या ठीक है ना जैसे कौफा जैसे जा जैसे मीम वगैरह वगैरह ये सिंबल्स भी आपको नज़र आएंगे तो क्या हमने इस गोल आयत के निशान को देखकर स्टॉप करना है या इस तौ को देखकर स्टॉप करना है अगर इस तौ को देखकर स्टॉप करना है तो क्यों करना है वजह क्या है अगर इस गोल आयत को देखकर करना है तो क्यों करना है वजह क्या है यह हमें बता दीजिए तो इन शे सारा मैं आपको बताऊंगा लेकिन गुजारिश करता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो पहले हम सवाल नंबर एक को देखते हैं कि कलमे के आखिर में अगर वाव मुशद आ जाता है या ये मुतहरक आ जाती है या अलिफ मकसूरा आ जाता है तो वक्फ कैसे करेंगे ठीक है जी चलिए यहाँ की ओर ये है हमारे पास वाव मुशद अगर ये कल में क्या आखिर में आया तो हमारे पास ताहा की आयत नंबर 123 मौजूद है इसको आप देख लें ठीक है ना मिन क्या आदू अब यहां पर आप देख लीजिए आदू ये जो आप आदू देख रहे हैं ना आइन दाल और वाव वाव जो है ये मुशद्दद है यानी वाव के ऊपर तशदीद है शद है और उस वाव के ऊपर क्या है भाई उस वाव के ऊपर तनवीन भी है यानी तनवीन जम्मा है दो पेश है तो जब हम यहां पर वक्फ करेंगे तो ये तनवीन जो है ये आरजी सुकून में तब्दील हो जाएगी यानी हमने उसको साकिन बनाना है ना किसी भी मुतहरिक पर जब हम वक्फ करते हैं तो हम उसको साकिन बनाते हैं और वक्फ करते हैं ठीक है ना ये हमारा एक आम कायदा है मैं यहां पर लिखूं आइन दाल पेश दो और वाव जो है ये शद के साथ है लेकिन अब यहाँ पर दो पेश है तो मैं इसको आरजी सुकून दूंगा आरजी सुकून तो लिखनी नहीं होती लेकिन अब आपके आसानी के लिए यहाँ पर मैं ऐसे इसको सुकून दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो तो ये क्या बनेगा आदु अब वाव जो है ये मुश्द है यानी वाव जो है ये दो बार है वन एंड टू यानी वाव जो है ये दो बार है तशदीद की वजह से तो जब हमने यहां पर वक्फ करना होगा तो हमने वाव को क्या बनाना है भाई साकिन बनाना है लेकिन जब हमने वाव के ऊपर वक्फ करना है तो वाव की आवाज को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है अब ये वाव जब साकिन हो गया तो इस वाव की आवाज कहां से निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है इस वाव की जो आवाज निकलेगी वो मुंह के अंदर के खाला से निकलेगी यानी वाव जो है ये जौफे दहन से अदा होने वाला हरफ है जौफे दहन किसे कहा जाता है जौफे दहन कहा जाता है मुंह के अंदर की खाली जगह को खाला को कहा जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम टी स्पेस ऑफ माउथ यानी मुंह के अंदर जो खाली जगह है मुंह के अंदर जो खाली जगह है वहां से वाव अदा होता है और जौफ दहन से वाव ही नहीं बल्कि अलिफ वाव और या ये तीन हरूफ जो अदा होते हैं जौफे दहन से होते हैं जौफे दहन से अलिफ वाव या ये तीन हरूफ अदा होते हैं तो वाव जब यहां पर आ गया अब यह अदा कहां से होगा मुंह के अंदर की खाली जगह से लेकिन याद रहे जब हम वाव को अदा करेंगे तो हमारे होट भी गोल होंगे हमारे होंठ भी गोल होंगे तो जब आप यहां पर वक्फ करेंगे तो आपने करना है आदू आदू तो वाव की आवाज को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है ये आगे लेकर क्यों जाना है क्योंकि तशदीद है ताकि सुनने वाले को लगे कि आपने दोनों वाव को अदा किया क्योंकि इस वाव के अंदर एक अपना साकिन है सुकून असली के साथ और एक को हमने आरजी सुकून देकर बनाया तो दो वाव को अदा करना है आदू आदू तो इसमें हल्का सा नब्र भी होगा ठीक है ना नब्र की क्लास को देख लीजिएगा यानी हल्की सी आवाज आगे को जाएगी ताकि सुनने वाले को पता चले कि दो वाव अदा हुए हैं तो वाव मुश्दत जब आएगा कहीं पर उस पर आपने वक्फ करना हो तो आप क्या करेंगे आदू। आदू।, आदू 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 तो वाव को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे ठीक है जी जैसे अदबिल्लाजीम तो हम पढ़ेंगे लिबाउ आदू।, आदू 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 तो वाऊ को आगे लेकर जाना है लेकिन अगर हम यहाँ पर वक्फ़ ना करें वैसे तो यहाँ पर जीम का सिंबल है वक्फ़ जायज़ है वक्फ़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं दोनों सही है अगर हम वक्फ़ नहीं करेंगे तो फिर क्या आ रहा है आगे फ़ा आ रहा है और फ़ा जो है ये हरूफ इकफ़ाम ऐसे है और तनवीन के बाद जब हरूफ अखा में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर इकफा होता है नाक के बांसे में आवाज चली जाती है तो यह बन जाएगा आदू वू, वू, तो फिर आगे आदू वियम तो ऐसे आपने पढ़ना है तो यह हो गया वाह मुशद उसके बाद मैंने कहा कि अगर कहीं पर या मुतहरिक आ जाए या मुतहरिक से क्या मुराद है या मुतहरिक से मुराद है कि या के ऊपर कभी ज़बर आ जाए ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए तो उसको साकिन बनाकर कैसे अदा करना है आवाज़ कैसे निकालनी है देखिए उसके बाद जब हम देखेंगे फ इमा या तियन नकुम मिन्नी हदंग हदंग अब यहाँ पर हदंग करना है यानी इकफा करना है क्योंकि यहाँ पर फा आ रहा है लेकिन जब हम यहाँ पर रुकेंगे तो हम पढ़ेंगे हुदा तो यहां पर हुदा पढ़ेंगे तो इस ये जो याद देख रहे हैं ना ये अलिफ मकसूरा यानी इसकी जो आवाज़ होती है वो आ की होती है ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको समझाऊंगा तो हम पढ़ेंगे फम फम तबा हुदाया अब यहां पर देख लीजिए ये जो हुदाया है यहां पर हुदाया या हा के ऊपर पेश दाल के ऊपर जबर अलिफ खाली और या के ऊपर ज़बर लेकिन अगर हम यहां पर वक्फ करें वैसे तो यहां पर वक्फ का कोई सिंबल नहीं है कोई अलामत नहीं है हां हमारे सांस टूटने की वजह से वक्फ हो गया तो अब क्या करेंगे अब याद रहे ये जो या के ऊपर आप जबर देख रहे हैं ना इसको आपने साकिन में तब्दील करना है यानी सुकून आरजी देनी है तो ये क्या बनेगा होदाई होदाई ठीक है ना तो अब ये जो या है ये भी कहां से अदा होगा ये भी जौफे दहन से क्योंकि अलिफ वाव या ये तीनों हरूफ कहां से अदा होते हैं मुंह के अंदर की खाली जगह से तो जब आपने या के ऊपर वक्फ करना हो या मुता्रिक पर याद रहे या मुता्रिक पर वक्फ करना हो तो उसको आपने क्या करना है भाई साकिन बनाना है तो हम यहां पर करेंगे फमानित हुदाई, हुदाई, आई ये जो आखिर में आई तो ये आवाज बीच में से निकल रही है हुदाई, हुदाई ऐसे वक्फ करेंगे और फिर जब ए करेंगे तो आप पढ़ेंगे फामा, हुदा या फाला तो फिर या के ऊपर जबर को अदा करना है आदा जब करेंगे जब वसल करेंगे ठीक है ना लेकिन वक्फ की सूरत में आपने या को साकिन करना है और मुंह के अंदर की खला यानी जौफे दहन से आवाज को निकालना है तो ये थी किसकी बात या की ठीक है ना अब चलिए आगे अच्छा अब हमारे पास सुरे ताहा के अंदर ही आयत नंबर 122 है इसको भी आप देख लीजिए हमने आपसे कहा कि अलिफ मकसूरा पर कैसे वक्फ होता है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना देखिए यहां पर जो है सुम्मा सुम तबाह हा दाल और या तीन तीन हरूफ है से हरफी है तो इसका रूट वर्ड भी हमारे हाँ पास हा दाल या ही है लेकिन अब यहां पर जो आप ये या देख रहे हैं ना ये खाली है इसके ऊपर ना खड़ी जबर है ना इसके ऊपर जबर है ना इसके ऊपर जेर है ना इसके ऊपर पेश है लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ते हैं हम फिर भी पढ़ते हैं हदा ये आ की आवाज तो हमें लगता है हम अगर इस या को एक मिनट के लिए हटा दें तो यहां पर क्या रहा हा जबर हा दाल खड़ा जबर दा हा तो अब आप सोचेंगे भाई अगर हदा यहीं तक आवाज आ रही है हदा की तो इस या को लिखने की जरूरत क्या है अक्सर लोग ये सोचते होंगे तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ना ये लिखा है ऐसे हा दाल खड़ा जबर दा और या अलग से या के ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन याद रहे ये हमारे मुसहब के अंदर है हमारे पास जो कुरान है उसमें आप देखें आप कुरान खोल कर देखें यह सुर की आयत नंबर वन ट्वेंटी टू है आप देखिए आपके कुरान में ऐसे लिखा होगा लेकिन सऊदी अरब का जो कुरान होगा वहां पर आपको लिखे लिखा जाएगा वहां पर ऐसे होगा हा दाल और या इस या के ऊपर खड़ी जबर इस तरीके से भी आपको मिलेगा तीसरा तरीका इसका आपको ऐसे मिलेगा हा के ऊपर जबर दाल के ऊपर ऐसे जबर और या खाली या के ऊपर कुछ नहीं ये असल है यानी असल अगर हम देखेंगे असल हमारे पास ये निकल कर आ रहा है जिसका हम तलफ अपनी आंखों से देख कर कर सकते हैं अच्छा अब ये यह अलिफ मकसूरा है अलिफ मकसूरा है तो याद रहे अलिफ मकसूरा की जो आवाज़ होती है वो आ की होती है किसकी आ की होती है या हम यूं कह सकते हैं कि अलिफ मकसूरा जो होता है इसको हम कहते हैं ये अलिफ साकिन होता है क्या होता है भाई अलिफ साकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल बा के ऊपर जबर है उसके बाद में अलिफ को यहां पर लगा दू मैं कहूं ये अलिफ साकिन है तो हम क्या पढ़ेंगे बा अलिफ जबर बा ता है जबर है इसके ऊपर अलिफ लगाऊंगा तो ता अलिफ जबर ता तो आ की आवाज हम क्यों निकालेंगे जब हम अलिफ को समझेंगे कि यह साकिन है बात क्लियर होगी हम जैसे पढ़ते हैं बा वाओ पेश बा वाओ पेश बू सॉरी बा वाव पेश बू वाव के ऊपर सुकून है तो हम क्या करते हैं जब हिजे करते हैं हम पढ़ते हैं वाव पेश बू ये ऊ की आवाज हमने क्यों निकाली क्योंकि हमने वाव को पीछे बा के साथ जोड़ा इसी तरीके से हमने इस अलिफ को इस बा के साथ जोड़ा यानी अब यहां पर जो ये अलिफ है जैसे वाव यहां पर साकिन है ये अलिफ भी यहां पर साकिन है बा ता सा तो इसी तरीके से हा दाल

ऐसे लिखा होता है हमारे कुरान में लेकिन इसका एक और तरीका है वा हा।, हा के ऊपर जबर और इस या के ऊपर खड़ी जबर यह एक तरीका है और दूसरा तरीका यह भी है क्या लिखा मैंने हा वा यानी हा के ऊपर जबर और बाद में या अकेला तो ये तीनों तरीके आपको मिलेंगे अक्सर आपको हमारे कुरान में ऐसे मिलेगा और सऊदी अरब के कुरान में आपको ऐसे मिलेगा ठीक सजा। सजा तो आप तो जब कलमे के आखिर में वाव मुशद्दद हो या याई मुतहर्रिक हो या अलिफ मकसूरा हो तो उस पर आपने कैसे वक्फ करना है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी ठीक है ना आवाज को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है तजदीद की वजह से हाँ अगर तजदीद ना हो तो आवाज को आगे नहीं ले जाना है तो अगर यहां पर वाओ के ऊपर ना होता खाली दो पेश होता तो हम पढ़ते आदू 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 सिंपल एक वाओ को अदा करते साकिन बनाकर तो यह हमारा अदा हो जाता बाकी ठीक है ना इतबा हुदाई हुदाई, लेकिन वसल की सूरत में हुदा या फला ठीक है ना तो इस तरीके से अब आपने इसको समझना है पहला आपको यह समझ में आ गया यानी वाव मुश या मुतहरिक और अलिफ मकसरा दूसरा जो सवाल है कि अक्सर क़ारी हजरत क्या करते हैं वो इस आयत को देखते हैं लेकिन वक्फ़ नहीं करते सीधा प्रोसीड करते हैं क्यों करते हैं हमने तो अपने इसातजा से पढ़ा है कि भाई जहाँ पर आयत आई तो रुको वारत कुरान तर तीरा, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो आराम से तो आयत को देख देख कर हम पढ़ रहे हैं कुल्लु अहद अल्लाह समद या अल्हदलबिलमीन फिर गोल रहीम फिर गोल निशान मालिकदीन फिर गोल निशान तो हम ऐसे पढ़ते हैं तो लेकिन अक्सर कारी क्या करते हैं वो बीच में जब कुरान की तिलावत करते हैं कहीं पर तो वहां पर गोल आयत का निशान आता है तो वो वहां पर रुकते ही नहीं क्यों नहीं रुकते हैं भाई इसको अब आपने समझना है लेकिन सबसे पहले आपने एक ख़ास पॉइंट को यहां पर याद रखना है वो ये है कि वक्फ़ का जो ताल्लुक़ होता है ठीक है ना मैं यहां पर आपको ये बता दूं वक्फ़ का जो ताल्लुक़ होता है वो मानवी और लफ्जी एतबार से होता है तो इस बात से यह पता चला कि जो हम कुरान में ये रमोज अवकाफ देखते हैं जहाँ कहीं भी हम वक्फ करते हैं इनका जो ताल्लुक होता है वो मानवी और लफ्जी एतबार से होता है अब मानवी एतबार से किसको समझ में आ जाएगा भाई जिसको अरबी ग्रामर पर होल्ड होगा जिसको अरबी आती होगी जो समझता होगा कुरान के तर्जुमे को समझता होगा अरबी ज़ुबान को समझता होगा लफ्ज़ एतबार से भी फ़ायदा उसी को होगा जो अरबी को जानता होगा इसीलिए हम जो अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं ना इनशाला मुकम्मल होने के बाद आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कुरान में ये वक्त क्यों है किस वजह से है ठीक है ना जैसे इंग्लिश में हम कभी बात मुकम्मल करते हैं तो हम ऐसे फुल स्टॉप लगाते हैं या इंग्लिश में हम कभी बात कहते हैं और बीच में हम क्या करते हैं हम बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं सेम ये चीजें आपको अरबी ग्रामर सीखने के बाद समझ में आ जाएगी लेकिन यहां पर ट्रिक के तौर पर कुछ तो मुझे बताना है ठीक है ना वरना आप कहेंगे आपने ऐसे ही बता दिया चलिए अब आपने यहां पर एक चीज याद रखनी है कि महले वक्फ के महले वक्फ के एतबार से वक्फ की चार अकसाम है कितनी अकसाम है भाई चार अकसाम है महल वक्फ किसे कहा जाता है महल वक्फ़ कहा जाता है वक्फ़ की जगह को जहाँ पर आप वक्फ करते हैं उसे कहा जाता है महल वक्फ महल वक्फ़ के एतबार से वक्फ़ की चार अकसाम है चार किस्में हैं और वह चार किस्में कौन सी हैं उसको आप पहले नोट कर लीजिए सबसे पहली किस्म है उसे हम कहते हैं वक्फ़ ताम क्या कहते हैं वक़े ताम दूसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है वक्फे काफी क्या कहा जाता है वकफे काफी ये वो पीने वाली कॉफी नहीं है ठीक है ना हाँ वक्फ़े काफी तीसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है वकफे हसन और चौथी जो किस्म है उसे कहा जाता है वकफे कबीह ठीक है ना हाँ जिन्होंने ये सवाल किया है वो बड़े खुश होंगे आज कि हमें ये चीजें पता चल रही हैं ठीक है ना माशाल्लाह तो वक्फे ताम वक्फे वक्फे खौफ है वक्फ काफ़ी वक्फ़ हसन वक्फ कभी बात क्लियर होगी तो अब हमने इसको जानना है लेकिन आज की क्लास में हम पहले वक्फ तमाम और वक्फ़ काफ़ी को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में हम वक्फ़ हसन और वक्फ़े कभी को समझेंगे तो सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा लेकिन वक्फ़ के हवाले से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता में वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा लेकिन गुजारिश करता हूं इसको समझो अगर आप कुरान को समझना चाहते हैं कुरान को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं मुकम्मल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी है ठीक है ना तो वक्फ ताम और वक्फ काफ़ी को आज पढ़ेंगे अब रही बात वकफ़ हसन वबी की इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो महल वक्फ़ के अतबार से वक्फ़ की चार अकसाम हैं वफ़ ताम वकफे काफ़ी वकफ़ हसन वकफ़ कबी तो वक्फ ताम किसे कहा जाता है पहले हम वक्फ ताम को लेंगे चलिए सबसे पहले हम वक़े खोलेंगे ये है हमारे पास वक्फे ताम सिंपली मैं आपको इंशाल्लाह टू कि वक्फे ताम कि वक्फे जाता है कलमे में ऐसी जगह वक्फ करना कलमे में ऐसी जगह वक्फ करना जहां लफ्ज़ी और मानवी एतबार से कलाम मुकम्मल हो जाए मैं यहां पर लिखूं जहां कलमे में लफजी और मानवी एतबार से कलाम मुकम्मल हो जाए इसको पहले आप नोट करें ये आपको बड़ा फायदा देगा इसको पहले आप नोट करें जहां कलमे में लफ्जी और मानवी एतबार से कलाम मुकम्मल हो जाए बात क्लियर होगी जहां कलमे में लफ्जी और मानवी एतबार से कलाम मुकम्मल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वक्फे ताम किसे वक्फे ताम कहा जाता है जहां पर मानवी और लफ्जी एतबार से कलाम मुकम्मल हो जाए जहां पर कलाम मुकम्मल हो जाए यह मैं इंशाल्लाह आपको अभी बताऊंगा मिसाल के साथ पहले उसको नोट करो वक्फे ताम उसे कहा जाता है उस वक्त को कहा जाता है जहां कलमे में लफ्जी और मानवी एतबार से कलाम मुकम्मल हो जाए बात यहां तक क्लियर होगी अब मैं आपको मिसाल दूंगा मिसाल हमारे पास है सुर बकरा में से सुर बकरा में आपने देखा होगा आयत नंबर पांच के अंदर ठीक है ना हमारे पास आयत होगी इसको आपने नोट कर लिया होगा अब मैं आपको आयत की ओर लेकर चलता हूं हमारे पास आयत है ठीक है ना और बेहतर यह होगा अगर आपके पास कुरान है मुसहफ है उसको आप खोल कर रखें फ़ोन से ना खोलिएगा जो आपके पास कुरान है उसको आप खोलिए और सोरे की पहली दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं आयत को आप सामने रखें इन क्लियर होगा कुरान को सामने रखें एक बार ठीक है ना तभी जाकर फ़ायदा होगा और आप समझ पाएंगे ये हमारे पास सूर्य बकरा की पाँचवीं आयत है अऊदु बिल्ला मशीम ये आयत है उलाई का अला हदम मब व उलाई का हमलमफलि बात को समझना अब यहां पर देखिए होता क्या है उलाई काम रबी हुन पर जब आप रुकेंगे ना आपको एक गोल आयत का निशान मिलेगा। में देख रहा है ना पूरा देखिए कुरान को सामने रखना पड़ेगा जरूर यह लाजमन कंपलसरी है कुरान को सामने रखना उलाई का अलाई काफल यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही नजात पाने वाले हैं और यही कामयाब होने वाले हैं या नजात पाने वाले हैं तो अब यहां पर हमुलमफली मुफ्लिहून ये बात किन की हो रही है पहले ये समझो कुरान सामने रखो बात हो रही है जिन्होंने गैब पर ईमान रखा जिन्होंने किताबों पर ईमान लाया ठीक है ना जिन्होंने आखिरत के दिन पर यकीन रखा ये उनकी बात हो रही है बात समझ में आ रही है ना मुफ्लिहून पर मानवी और लफजी अतबार से यह जुमला मुकम्मल हो गया लेकिन अगर हम इससे पहले बात करें गालिकल किताबुल लार बफ़ी हदलमिन युमी बिल गैबी अल्लीन युमी बिल गईबी व युमून सलादीन युमीन बिल गैब जिन लोगों ने गैब पर परीमा रखाधीन यौमीन बिल गैबी व युमोन व मम्मा रज़ल हमफ़िकून व यु़ीम और जिन्होंने नमाज़ क़ायम की व युमून व ममा रज़ल हमफ़ून और अल्लाह के दिए हुए रिज में से खर्च किया अब वहां पर आप देखे बिल गईब वकीम वजक नुन के बाद जो आप गोल आयत का निशान देख रहे हैं ना वहां पर ऊपर लाम अलिफ तो है ये खाली मैं नहीं बता रहा आपके पास कुरान है मेरे पास कुरान नहीं है सामने आप देख लें क्योंकि मैं बात कर रहा हूं लफ्जी और मानवी एतबार से लेकिन आप देखकर करें कि उस आयत के ऊपर लाम अलिफ ला का निशान है अगर है तो कॉमेंट करें लाइव चैट में लाम अलिफ यानी लाम अलिफ का मतलब होता है नहीं इसका क्या मतलब है अगर हम अमूमन देखेंगे ना लाम अलिफ को लाम अलिफ का मतलब है नहीं रुकना है हम तो यह समझेंगे भाई क्योंकि लाम अलिफ को हमने रमोज अवकाफ में पढ़ा है कि लाम अलिफ का मतलब है नहीं रुकना तो हम लाम अलिफ को देख रहे हैं भाई नहीं रुकना है तो ऐसा नहीं है यानी इसका ये मतलब ला का मतलब ये है कि अभी यहां पर जो लफ्जी एतबार से यहां पर जो है जुमला तो मुकम्मल हो गया लेकिन मानवी एतबार से अभी बाकी है व यकीम व मजक नाहफिकून यूनफिकून पर लफ्जी एतबार से तो जुमला मुकम्मल हो गया लेकिन मानवी एतबार से मुकम्मल नहीं हुआ ठीक है ना वलना बिमाऊ का जब आप रुकेंगे तो लफ्ज़ी एतबार से तो खत्म हो गया लेकिन मानवीय अतबार से ख़त्म नहीं हुआ क्यों क्योंकि आगे तो बात है ना जिन लोगों ने ईमान लाया नमाज कायम की अल्लाह के रिज्म से खर्च किया उनके लिए तो इनाम भी है ना आगे क्या इनाम है कि वो कामयाब है उलाई का अला हदम व उलाई का हमुलमफलिफिल पर जवाब रुके तो पूरा जुमला पूरा कलाम मुकम्मल हो गया यह है वक्फ यहां पर अब मानवी और लफ्जी एतबार से मुकम्मल हो गया अब जो आगे बात शुरू होगी इन अब आगे किन की बात हो रही है, बेशक ने कुफर किया। बराबर है उन पर कि आप उनको डराएर या ना डराए ला यो मिन वह ईमान लाने वाले नहीं हैं तो आगे अब जो मजमून शुरू हो रहा है वो काफिरों से शुरू हो रहा है यानी अब काफिर जो है वो ईमान लाने वाले नहीं हैं अब एक अलग मजमून यहाँ पर आ गया लेकिन पहले जो मजमून आ गया जिन्होंने ईमान लाया जिन्होंने अच्छे अमाल किए जिन्होंने नमाज क़ायम की जिन्होंने गैब पर किताबों पर ईमान रखा वह कामयाब है यहां तक बात खत्म होगी उसके बाद काफिरों की बात शुरू होगी अब वहाँ पर आप क्या करेंगे अब वहाँ से आप शुरू करेंगे ये आपने सिंपल पहले समझना है इंशाल्लाह आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा जैसे फातिहा है रब्बिल आलमीन रुके गोलायद का निशान है रहीम, की बयान ठीक है ना मालिक योम दीन यौम जजाक मालिक इया कना अब दुआया कन हम तुझसे ही मदद मांगते हैं आ, हम तेरी ही इबादत करते हैं तुझसे ही मदद तलब करते हैं एह दिन शरातमस्तक़ीम अब यहाँ से दुआ का सिलसिला शुरू हो गया एह दिन शरातलमस्तक़ीम यानी हमें सीधा रास्ता दिखा शरातीन अनमता अलैहिम रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया अपना ठीक है ना गैरमकद अलैहिम उनका नहीं जिन पर तू गुस्सा होता रहा या जो गुमराहों के ठीक है ना वल्ला वगैरह वगैरह तो ये पूरा चीज आप देखेंगे कब जब आप अरबी को समझेंगे ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आयतों के ऊपर ये ला पा वगैरह होता है अमूमन ये जो तौ है ना ये हमारा अमूमन तौ जो होता है ये फुल स्टॉप का काम करता है ये ऐसे आप समझ लीजिए अगर मैं कहूँगा हामिद इज अ गुड बॉय मुझे खाली इतना कहना है सिर्फ ये एक सेंटेंस कहना है तो मुझे चाहिए कि मैं इस सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा लूं कि बात मुकम्मल कर दी लेकिन अगर मुझे इस हामिद के बारे में और भी कुछ कहना है तो मैं अगर मुझे कहना हो ही इज़ ही इज़ वेरी पॉपुलर या कुछ भी तो मैं यहां पर एक कॉमा लगा दूंगा ताकि मेरी बात जो है वो अभी कंटिन्यू कंटिन्यू है मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है इसके बारे में तो कॉमा का इस्तेमाल हम करते हैं जब कंटिन्यू हो तो यही आप समझ लीजिए जो ला आता है ये कंटिन्यू है यानी लफ्जी ताल्लुक तो ख़त्म हो गया लेकिन मानवी ताल्लुक जो है वह अभी बाकी है बात यहां तक क्लियर होगी तो ये था हमारा वक्फे ताम वक्फे ताम बिल्कुल आसान है इसको इंशाल्लाह आपने अच्छे से समझना है और वक्फे ताम कहा जाता ही है इस गोल आयत के निशान को वक्फे ताम किसे कहा जाता है गोल आयत के निशान को अब इस चीज को अब आप आपने समझना है ये कुरान के बीच में भी कहीं पर आ सकता है लेकिन ये उसी को समझ में आ जाएगा जो कुरान के माना को जानता हो अरबी को जानता हो अगर अरबी ना भी जानता हो लेकिन अगर कुरान के तर्जुमे को जानता हो अच्छे से तो उसको ये समझ में आ जाएगा तो ये था हमारा वक्फ़े ताम। अब आइए दूसरी किस्म वो है वक्फ़े काफ़ी वक्फ़े काफ़ी वक्फ़े काफ़ी किसे कहा जाता है सिंपली याद रखें वक्फ़े काफी कलमे में ऐसी जगह वक्फ करना जहां मौकूफ आलई का अपने मा बाद कलमे से मा बाद कहते हैं यानी रब्बिल आलमीन आलमीन है ना आलमीन के बाद आयत है अलहमद रब आलमीन अर्रहमान रही अर्रहमान जो है ना इसको हम कहेंगे मा बाद मा कबल किसे कहा जाता है मा कबल कहा जा कहा जाता है आलमीन से पहले जो होगा उसे मा कबल कहा जाएगा और मा बाद कहा जाएगा जो बाद में हो आलमीन के बाद अर्रहमान से शुरू होता है उसे मा बाद कहा जाता है ठीक है ना तो कलमे में ऐसी जगह वक्फ करना जहां मौकूफ आल का अपने मा बाद कलमे से लफ्जी ताल्लुक ना हो बल्कि मानवी ताल्लुक हो चीज मैंने आपको अभी इससे पहले सोरे बकर दी कि मोकुफ आले का अपने माँ बाप कलमे से लफ्जी ताल्लुक ना हो बल्कि मानवी ताल्लुक हो तो उसे वक्फे काफी कहा जाता है क्या मतलब क्या समझे कलमे में ऐसी जगह वक्फ करना यहां पर मैं आपको ये लिखवा देता हूँ ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से और भी इंशाल्लाह मजीद टॉपिक्स आएंगे लेकिन बात को समझना है जिसको ये समझ में आ गई जिन्होंने कुरान को सामने रखा है उनको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा किसे कहा जाता है कि ऐसे ऐसी जगह वक्फ करना ऐसी जगह वक्फ करना जहां पर क्या हो जहां मोकुफ आले का अपने माबाद से जहां मोकुफ आले का अपने मा बाद बा मा माबाद किसे कहा जाता है यानी उसके बाद जो कलमा होगा ठीक है ना माबाद कलमे से क्या हो कलमे से क्या हो लफ्ज ताल्लुक ना हो कलमे से लफजी ताल्लुक ना हो हाँ याद रखना लफजी ताल्लुक नहीं होगा लफ्जी ताल्लुक ना हो बल्कि क्या हो बल्कि मानवी ताल्लुक हो बल्कि मानवी ताल्लुक हो इसको आप पहले नोट कर लीजिए इसे हम वक्फ काफी कहते हैं यानी ऐसी जगह वक्फ करना ऐसे कलमे पर वक्फ करना जहां मौकूफ आल मौकूफ आले कहा जाता है जिस पर आपने वक्फ किया जिस पर आपने वक्फ किया उसका अपने माबाद कल में से माबाद कहे यानी उस मौकुफ के बाद जो होगा उससे लफ्जी ताल्लुक न हो बल्कि मानवी ताल्लुक हो यानी लफ्जी ताल्लुक खत्म हो जाए लेकिन मानवी ताल्लुक अभी बाकी रहे इसकी मिसाल मैंने आपको दी वबिल व आखिरतीम यूनो لکھ <متحدث> کے نا وبل اخرتہم یوقنون ہم پڑھتے ہیں نا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرتہم یوقنون تو یوقنون پر جب وقف کریں گے نا تو اسے ہم وقف کافی کہیں گے کیوں کیونکہ یوقنون کے بعد کیا ہو رہا ہے لفظی تعلق تو نہیں رہا لیکن معنوی تعلق باقی ہے क्योंकि आगे जिन्होंने ईमान लाया उनके लिए आगे क्या बताया जा रहा है उलाई का अला हदबिम व उलाई कामफलि तो ये तभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप अरबी समझेंगे ठीक है ना तो यहां तक ये क्लियर हो गया तो इसको आपने नोट कर लिया तो मिसाल भी आपने देखी व बिल आखिर हम यूनून यहां पर वक्फ करना ये वक्फे काफ़ी है ठीक है ना यहाँ लफ्जी ताल्लुक खत्म हो गया लेकिन अभी मानवी ताल्लुक बाकी है लेकिन अब आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जहन में रखना है वो ये है वक्फे ताम और वक्फे काफी का हुक्म क्या है ठीक है ना वक्फे ताम और वक्फे काफी का हुक्म इसका हुक्म क्या है यानी जो पहली दो किस्में हैं इसका हुक्म क्या है यह आपने समझना है ठीक है ना इसका हुक्म जो है सिंपली आपने याद रखना है कि ताम और काफ़ी होने की सूरत मा माबाद कलमे से इब्तदा की जाए की जरूरत नहीं है ठीक है जी क्या वक्फे ताम और वक्फ काफी का हुक्म क्या है कि वक्फ ताम और वक्फ काफी होने की सूरत में मा बाद कलमे से मैं यहां पर लिखूंगा माबाद कलमे से इआद... सॉरी बाद कल में से इब्तिदा की जाए याद की जरूरत नहीं है तो पहली दो किस्मों का जो हुक्म है वो ये है कि अगर कहीं पर वक्फ ताम आपने किया या वक्फ काफी आपने किया तो आप वहां पर रुके चाहे वहां पर लफ्जी ताल्लुक ना हो चाहे वहां पर मानवी ताल्लुक ना हो ठीक है ना यही चीज़ हो सकती है ना तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि पहले सूरत में क्या होगा कि वहां पर लफ्जी और मानवी ताल्लुक दोनों ख़त्म हो गए तो अब आपने वहां पर वक्फ किया अब आप आगे से शुरू करेंगे दूसरी सूरत वक्फ काफ़ी में आपने जाना कि जहां पर लफ्जी ताल्लुक खत्म हो गया लेकिन मानवी ताल्लुक अभी बाकी है लफ्जी ताल्लुक तो खत्म हो गया फिर भी आप इब्तिदा कर सकते हैं ठीक है ना फिर अदा करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब आप पढ़ेंगे बिमा वमा मिन वल्लना बीमातीनून यू किन पर जब आप रुकेंगे ना अभी मानवी ताल्लुक बाकी है यु कनून के बाद उलाईका आएगा अभी आपका जो माबाद कलमा है उसका उसमें उसका माना छुपा हुआ है लेकिन आपने युकिन पर वक्फ किया उसके बाद आप सीधा उलाईका से शुरुआत करेंगे अपने अदा नहीं करना है आप करेंगे मिन हुम आप, रुके। फिर आप करेंगे अदा नहीं।, नहीं करना है पहली दो सूरतों का हुक्म यह है कि वक्फ तमाम और वक् काफी का यह हुक्म है कि माँ बाद कलमे से सीधा इब्तदा करनी है सीधा इब्तदा करनी है अदा करने की जरूरत नहीं है ठीक है जी जैसे यहां पर हमने देखा यह है हमारे पास आयत ठीक है ना ये हमारे पास शुर बकरा की चौथी आयत है और ये है हमारे पास पाँचवीं आयत आप जब पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे ठीक है ना इसको समझ लो यहाँ पर आयत है ठीक है ना और यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर एक दूसरी आयत है जब आप पढ़ेंगे वल्लदीना वलना बिमा ऊँ जिला ऊँ जिला मी कब्लिक वम यू किन अब आप यहाँ पर रुके अब यहाँ पर लफ्जी ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो गया यानी लफ्जी ताल्लुक यहां पर खत्म हो गया लेकिन मानवी ताल्लुक अभी बाकी है क्योंकि जिन्होंने ईमान लाया यकीन रखा उनके लिए तो वो तो कामयाब है ना पूरी बात करनी है ना अल्लाह को अल्लाह ने कहा ना यही लोग जो है अल्लाह की अल्लाह की तरफ से हिदायत पर है कौन लोग हिदायत पर है जिन्होंने ईमान लाया जो पहले नाजिल हुआ जो आपसे पहले नाजिल हुआ जो तुम पर नाजिल हुआ या और आखिरत के दिन पर यकीन रखते उससे पहले भी जो पहली दूसरी तीसरी आयत में हमें मिलता है उस पर यकीन रखने वाले ईमान रखने वाले उन वो तो कामयाब है उन वो तो हिदायत पर है तो लफ्ज़ी ताल्लुक ख़त्म हो गया लेकिन मानवी ताल्लुक बाकी है तो अब यहां पर जब आप रुकेंगे तो अब आप आपने यहां पर यहां से शुरुआत नहीं करनी है आपने उलाइका से सीधा शुरुआत करनी है इंशाल्लाह मज़ीद इसके बारे में आपको बताऊंगा सिंपली अब आपने क्या याद रखना है कि आ, वक्फे काफ़ी जो है ये हमारा वक्फे ताम जो है पहले जहां कलमे में लफज़ी और मानवी एतबार से कलाम मुकम्मल हो जाए उसे वक्फे ताम कहा जाता है ठीक है जी जहां पर बात लफ्जी और मानवी एतबार से मुकम्मल हो जाए अब आप कहेंगे भाई ये हम कैसे समझेंगे आप अरबी ग्रामर माशा पढ़ रहे हैं तो इनशाला खुद ब खुद आपको आगे चलकर कर यह समझ में आ जाएगा लेकिन बात को याद तो रखना है ठीक है ना ये पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगी इनशाला जब हम आगे आगे अरबी ग्रामर पढ़ेंगे तो ये सारा इनशाला कंप्लीट हो जाएगा वक्फ ताम था ये उसके बाद हमने देखा वक्फ काफी वक्फ ऐसी जगह वक्फ करना जहां मौकूफ़ आ अपने माँ बाद कल में से लफ्जी ताल्लुक ना हो लफ्जी ताल्लुक ना हो लेकिन मानवी ताल्लुक हो मानवी तालुक मौजूद हो लफ्जी तालुक ख़त्म हो गया हो तो फिर भी हम क्या करेंगे आगे से ही शुरुआत करेंगे अदा करने की जरूरत नहीं है तो सिंपली आपने क्या याद रखना है सिंपली आपने याद रखना है कि वक्फ ताम और वक्फ काफी का हुक्म यह है कि अगर आप वक्फ ताम कहीं पर देखेंगे यानी जहां पर क्या हुआ जहां पर मानवी और लफजबार से कलाम मुकम्मल हो गया तो आप वहां पर माँ बा से इब्ता करेंगे और जहां पर लफ्जी ताल्लु ख़त्म हो गया लेकिन मानवी ताल्लुक बाकी है तो वहां पर भी आपदा करेंगे अब रही बात वक़ हसन व वफ़ कभी यहां पर इब्तदा करने की गुंजाइश नहीं होती है वहां पर आ, माना जो है फ़ासद आ जाता है और कुरान की आयत में शक पैदा हो जाता है और बाजात इंसान जो है शिरक करने बैठ जाता है तो ये वक़फ़ हसन वकफ़ी कभी को जब आप पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें इन श्रियर होंगी तो ये वक्फ़ के हवाले से ज़रूरी क्लास थी इसको इनशाला अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए और अगर मैंने कुछ इसमें छोड़ दिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो कवर कर लूँगा और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमत सब्सक्राइब करें आ, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें अलमकुम वरम वर्क रहनुमा मुफ़ी हमारा है।